हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आप लोगों से MIS ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। MIS का मतलब होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। जैसे ये तो CNC और MIS ऑप्शन, यहाँ दो ऑप्शन देख रहे हैं। CNC होता है कैश एंड कैरी, मतलब आपके पास जितना कैश है कैश दीजिए और स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग करना, मतलब जितना आपके पास कैश है उससे ज़्यादा आप स्टॉक लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप MIS ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। MIS का मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर, मतलब ये आप इंट्राडे के लिए ही है और आप इसे होल्ड नहीं कर सकते हैं या और अगले दिन तक भी नहीं रख सकते हैं। और जैसे ही मार्केट बंद होने का टाइम आएगा, वो अगर आप अपने आप खुद से स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं तो सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर दिया जाएगा। मार्जिन ट्रेडिंग से होता फ़ायदा ये है कि आप क्वांटिटी, आप जिसके पास जितना कैश है उससे आप उससे कई गुना ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आपके पास 1000 रुपये है, अगर आपको किसी स्टॉक पे 10 गुना मार्जिन मिलता है तो आप 10,000 का स्टॉक खरीद सकते हैं। लेकिन यही है कि आपको शाम तक आपको स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। जैसे मार्केट अगर एक 1 पॉइंट मूव करता है, ठीक है, और आपके पास 100 शेयर हैं तो आपको सिर्फ 100 रुपये का फ़ायदा होगा। और अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं और 10 गुना आपको मार्जिन मिलता है, आप 10 गुना शेयर खरीदते हैं, तो 1 पॉइंट मूव करने से आपको जहां 100 रुपये फ़ायदा हो रहा था वहां पे आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें रिस्क भी है कि अगर ट्रेड आपके फेवर में नहीं हुआ तो आपका लॉस भी उतना ही मल्टीपल में होगा जितना कि आपने ट्रेड लिया है। जैसे अगर आपका प्रॉफिट 10 गुना हो रहा था तो अगर आपका लॉस होता है तो आपका लॉस भी 10 गुना हो जाएगा। तो मार्जिन से थोड़ा सा संभल के मार्जिन ट्रेडिंग कीजिएगा। और चलिए अब बात करते हैं कि मार्जिन आपको कितना मिलेगा। ये आप मार्जिन कैलकुलेटर में जाके चेक कर सकते हैं। हर ब्रोकर का मार्जिन कैलकुलेटर होता है। जैसे ओपन कर लेते हैं मार्जिन कैलकुलेटर, ये जीरोधा का है, तो ये जीरोधा का मार्जिन कैलकुलेटर ओपन करते हैं। टाइप करते हैं जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर। तो ये जीरोधा का मार्जिन कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। ये FNO फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट का मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए इक्विटी फ्यूचर्स कमोडिटी करेंसी इक्विटी और ब्रैकेट ऑर्डर एंड कवर ऑर्डर। तो आप इक्विटी मार्केट में अगर मार्जिन अपना चेक करना चाहते हैं तो इक्विटी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद स्टॉक सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये SBI में आपको 14x मार्जिन मिलता है, मतलब 14 गुना आपको मार्जिन मिलेगा। अगर आपके पास 1000 रुपये है तो आप 14000 रुपये का ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे के लिए। उसी तरह से जैसे PNB पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का 13x मार्जिन है। अब कैलकुलेट करके देख लेते हैं, जैसे स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है 80 रुपये, तो मार्जिन कितना मिलेगा यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैश मार्केट में जहाँ आप 312 शेयर खरीद सकते थे, यहाँ पे आप मार्जिन में MIS इंट्राडे के लिए आप 3906 शेयर खरीद सकते हैं। अगर 1 पॉइंट अगर मूव करता है PNB का शेयर इंट्राडे में, तो आपको 312 रुपये जहाँ से कैश मार्केट में प्रॉफिट होता है, वहीं पे आपको मार्जिन ट्रेडिंग करने पे 3906 रुपये का प्रॉफिट होता है। लेकिन इसका रिस्क भी है, जहाँ पे अगर आपको 312 रुपये का लॉस होता वहाँ पे आपको 3906 रुपये का लॉस हो जाता। तो मार्जिन ट्रेडिंग, तो अगर आपका ट्रेड आपके फेवर में जाता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देगा। वहीं अगर आपके फेवर में मार्केट नहीं जाता है, तो अगर 1-2 पॉइंट भी मूव आपके फेवर में नहीं करता है और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ेगा। तो अगर 13x का आपने 13 गुना आपने मार्जिन इस्तेमाल किया है, तो आपका लॉस और प्रॉफिट भी 13 गुना ही हो जाएगा। आई होप आपने मार्जिन ट्रेडिंग को अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।